ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, अब एक नोट लिखते हैं। पॉलीनोमियल, सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। अ पॉलीनोमियल ऑफ, सर आप लास्ट क्लास वाला ही रिवाइज करा रहे हो ना? नहीं नहीं मैं नया पढ़ा रहा हूं, ओके सर। ऑफ डिग्री एन हैविंग रियल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, कैन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसमें से पहला है कि इट विल हैव, पर वो हेडिंग कंटिन्यूएशन नहीं है ना अपना। हाँ मतलब नेक्स्ट नोट टाइप का लिखो, मतलब एक नई थ्योरी टाइप का है वो, उसी में है, पॉलिनोमियल में ही है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ही है। इट विल हैव एन रूट्स, इसके अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल तो कितने रूट्स होंगे, एन रूट्स होंगे, और अगर इफ नॉन रियल रूट एग्जिस्ट, अगर नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं देन दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इफ द नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट देन दे विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। सो नॉन रियल रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि इकलौता नॉन रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। सो थर्ड पॉइंट है, फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इट विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इट विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन, कैन मतलब पॉसिबिलिटी है, हैव ऑल नॉन रियल रूट्स। इवन डिग्री पॉलिनोमियल के हो सकते हैं कि सारे के सारे रूट्स नॉन रियल। तो जैसे इस पॉइंट में क्या बताया गया है जरा वो देखो थोड़ा, ये लिख लिया तुम लोगों ने? यस यस। ओके तो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जैसे मान लो, हाँ फोर्थ पॉइंट उसे दिखाइए ना, देखो यस। जैसे मान लो से हमारा एक क्यूबिक है, जोर से बोलिए ना, जैसे मान लो हमारा एक क्यूबिक है, ठीक है। तो क्यूबिक की, क्यूबिक के रूट्स की क्या क्या, क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे हमेशा? पर तीन होंगे जिनमें से एक रियल होगा। तीन रूट्स होंगे। अब दो पॉसिबिलिटी है कि या तो तीनों के तीनों रियल रूट्स हो जाए, ऑल थ्री ऑफ देम आर रियल रूट्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अच्छा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि दो रियल, नहीं सर अभी एक नॉन रियल, नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती सर। क्योंकि नॉन रियल रूट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। सो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी कैन बी वन रियल
प्लस टू नॉन रियल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसे ही तुम अगर डिग्री फाइव का देखो तो डिग्री फाइव में क्या हो सकता था कि ऑल फाइव रियल, या क्या हो सकता था, थ्री रियल टू नॉन रियल, रियल प्लस टू नॉन रियल, फिर वन रियल एंड फोर नॉन रियल, वन रियल प्लस फोर नॉन रियल रूट्स, ठीक है। सो मतलब कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसमें कम से कम एक रियल तो आ ही रहा है। सो यही थर्ड पॉइंट लिखा है कि फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इट विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट। कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसमें कम से कम एक रियल रूट तो होगा ही, 110%। किसके, जिसके लीडिंग कोफिशिएंट रियल नंबर्स हो, सॉरी जिसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स हो उसके, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब मैं अगर तुमको डिग्री फोर के बारे में सोचूं, डिग्री फोर का पॉलिनोमियल, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, चारों रियल हो जाए या दो रियल, या चारों के चारों नॉन रियल हो। तो डिग्री फोर में इस बात की गारंटी नहीं है कि कम से कम एक रियल आएगा ही, सो या मतलब इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल में। तो फोर्थ पॉइंट यही लिखा है कि इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव ऑल नॉन रियल रूट्स। इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसके सारे के सारे रूट्स नॉन रियल हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन रियल रूट्स हैं किसी भी, चाहे ऑड डिग्री है चाहे इवन डिग्री है, तो नॉन रियल रूट्स जो हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जैसे मान लो अगर एक ए प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या बनना है, ए माइनस आई बी कॉन्जुगेट पेयर बनना है उसका। तो अब जैसे से यहाँ पे दो नॉन रियल है, तो दो नॉन रियल कैसे हो सकते हैं, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। अच्छा, यहाँ पे चार नॉन रियल है, तो चार नॉन रियल ऐसे हो सकते हैं, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी। देखो, ये अपना कॉन्जुगेट पेयर हो गया और ये अपना एक कॉन्जुगेट पेयर हो गया। समझ में आ रही है बात? सर, दोनों कॉन्जुगेट पेयर में कुछ लिंक रह सकता है कि नहीं? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों आपस में कुछ लिंक्ड हो। नो सच स्टेटमेंट्स कैन बी डिलीवर्ड, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। समझ में आई बात ये? इतना जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा पिछले 5-10 मिनट में, यस सर, सब लोगों ने लिख लिया कि किसी को कुछ लिखना बाकी yes, है? बोलो बच्चों, किसी को लिखना बाकी है कुछ, एनीथिंग? yes, नहीं। सो अपने एक क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जैसे क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पे जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा। सो से क्वेश्चन इज, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वेयर सी एंड डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, वेयर सी एंड डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। If 2 plus 3i is a root of this cubic, then find c and d. चलो करो इसको। Then find c and d. Thank you.
So C minus 11 or D minus 27? C तो सही हुआ है. 28, sorry, क्या? ये तो सही है. D जो है, एक बार चेक करो. सर D 78. हाँ. तो देखो, जैसे यहाँ पे जो एक रूट है वो नॉन रियल है, तो दूसरे रूट को भी, मतलब एक रूट और नॉन रियल होना चाहिए. आंसर क्या है? और उसका आंसर क्या है? आंसर इज सी माइनस 11 डी 78. हाँ सर. ठीक है, तो दूसरे रूट को एक नॉन रियल होना चाहिए, 2 माइनस 3 है, और तीसरा रूट मान लो अल्फा है. ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, सम ऑफ रूट्स लिखा. तो सम ऑफ रूट्स क्या बन जाता, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस 2. तो इससे जो है तुम्हारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती, अल्फा की वैल्यू आ जाती माइनस 6. इसका क्या मतलब है कि जो तीसरा रूट है वो हमारा क्या है, माइनस. सर डी का वैल्यू 78 है. हाँ लिखा है ना यहाँ पे, देखो ना इधर. पर मेरे सर मैं माइनस 78 आ रहा था इसलिए पूछा, सॉरी सर. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू माइनस 6 आ गई. इट मींस हम लोग को तीनों रूट्स पता चल गए भाई, 2 प्लस 3 आई, 2 माइनस 3 आई एंड माइनस 6. अच्छा, अब जैसे C, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस लगाते हैं, तो C एक तरीके से टेकन 2 एट अ टाइम होता, C अपॉन 1. तो टेकन 2 एट अ टाइम मतलब, जैसे मान लो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता, फिर इन दोनों को करता, फिर इन दोनों को करता. समझ में आ रही है बात? अब देखो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर 4 प्लस 9 आई स्क्वायर विल बी, सॉरी 9 आई स्क्वायर विल बी माइनस 9, और वो माइनस माइनस प्लस हो गया. फिर ये माइनस 12 माइनस 18 आई, फिर माइनस 12 प्लस 18 आई, तो 18 आई चला गया. 13 माइनस 24 विच इज माइनस 11. तो सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 11. अच्छा, डी निकालने के लिए हम लोग ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेते हैं. तो एक्चुअली वो माइनस डी के बराबर होता, जो तुम्हारा गलत हुआ है ना, वो शायद इस वजह से हुआ होगा. तो प्रोडक्ट जो होता वो माइनस डी होता, और वो इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब 2 प्लस 3 आई इंटू 2 माइनस 3 आई इंटू माइनस 6. सही बोला, वो माइनस लगाना. ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो गया. इससे डी जो है इन दोनों का जो है कितना बन जाता, 13 बन जाता इंटू 6, 78. यही आ रहा है और यही आंसर भी है. C is minus 11. और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. C is minus 11 and D 78. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, so next question पे चला जाए. इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर. ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स
minus 19 is equal to 0? Are each one more than the roots of the equation x cube minus ax square plus bx minus c is equal to 0? Then find the value of a plus b plus c. Kuch number aayega, a plus b plus c will be some sort of number. Wo find karna hai. Sir, 18. 18. So, yeah. चलो किया जाए सर, दो मिनट बस हो गया. सर 18 आते हैं. हाँ 18 है, आंसर इज 18. अच्छा ठीक है. Thank you.
चलो तो इसको दो तरीके से सॉल्व। अच्छा मुझे भी 18 आया। ठीक है, we can solve this question by two methods. पहला जो कि मोस्ट ऑब्वियस मेथड लग रहा है वो कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है? बोला कुछ ऐसा गया है कि जैसे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स इससे एक एक ज्यादा होंगे, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। तो हम लोग ने क्या सोचा कि थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये क्यूबिक एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्यूबिक की हेल्प से अपने अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन वाला क्यूबिक फॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते, अल्फा प्लस वन को एक्स मान लेते, तो उससे अल्फा की वैल्यू क्या होती, एक्स माइनस वन होती। अच्छा, क्योंकि अल्फा इसका रूट था, मतलब अल्फा सेटिस्फाई कर रहा था, अल्फा क्यूब माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस सी। अब अल्फा की जगह एक्स माइनस वन डाल दिया तो यहां से क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इससे जो क्यूबिक बन रहा होगा वो ये वाला क्यूबिक बन रहा होगा, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन वाला। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक काम किया कि इनके जो कांस्टेंट टर्म्स है ना बस वो देखते हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म मैंने निकालना सिखाया था, याद है कि कैसे निकालते हैं कोई भी टर्म बिना बाकी टर्म्स को इवेल्युएट किए, जैसे और कांस्टेंट टर्म निकालना तो सबसे आसान है। जैसे माइनस वन है होल क्यूब है, तो क्या करो कि माइनस वन को तीन बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस वन। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आ गया, माइनस वन। अच्छा यहाँ पे माइनस वन का होल स्क्वायर है तो उसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो वन बनेगा, और फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से क्या आ गया, माइनस है। अच्छा यहाँ से तो ऑलरेडी दिख रहा है माइनस बी, और यहाँ से ऑलरेडी दिख रहा है माइनस सी। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्यूबिक हो गया वो कुछ ऐसा हो गया, एक्स क्यूब माइनस समथिंग एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स, और कांस्टेंट एग्जैक्टली लिखा, माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा इस क्यूबिक के रूट क्या है, ये वाले हैं अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। अच्छा हम लोग को एक और क्यूबिक पता है जो क्वेश्चन में दिया है, कौन सा, ये वाला क्यूबिक जिसके रूट्स हम लोग को बोला गया कि अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन। तो इस वाले क्यूबिक को लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19। ठीक है, अब इसके भी रूट्स यही है, इसका मतलब दोनों क्यूबिक सेम है, दोनों क्यूबिक सेम है, मतलब जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होंगे, वो भी सेम होंगे। इट मींस कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है और इसका जो कांस्टेंट टर्म है दैट शुड आल्सो बी इक्वल। सो माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 19, तो इससे ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया हमारा, 18। This was by the help of transformation of roots. ये समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। एक मिनट देखो। हाँ। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो, जरा देखना है दो मिनट।
सर इधर हमने पहले दोनों मतलब जो दूसरे क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाया ना नहीं पहले सॉरी पहले वाले में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाया और उससे एक क्यूबिक बना ये वो वाला क्यूबिक बना ठीक है अच्छा उस क्यूबिक का सारा कुछ इवैल्यूएट नहीं किया उस क्यूबिक का बस कांस्टेंट टर्म इवैल्यूएट किया यहाँ पे ऐसे कैसे किया वो समझ में आया यस सर अच्छा तो ये जो क्यूबिक बन रहा होता ये वाला यही वाला क्यूबिक ये लिखा हुआ है इसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन थे और हम लोग को ऑलरेडी एक क्यूबिक पता है जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन है तो मतलब दोनों क्यूबिक सेम होंगे तभी तो रूट सेम है तो इनके कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कर दिया यहाँ पे तो माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इसलिए लिया क्योंकि हम लोग को ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी हाँ क्यों देखो मेरा मेरे को पहले स्ट्राइक तो ये किया कि भाई इसमें जो है जो नोन है वो क्या नोन है केवल कांस्टेंट टर्म नोन है इस क्वेश्चन में जो चीज तुमको नोन है वो केवल कांस्टेंट टर्म नोन है तो मैंने भी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से क्यूबिक फॉर्म किया उसका केवल कांस्टेंट टर्म निकाला कि ताकि मैं इक्वेट करके कुछ मीनिंगफुल ला सकूं नहीं तो फिर इनको इक्वेट करता और इनको इक्वेट करता तो पी और क्यू में कुछ आ रहा होता जो कि शायद फायदा नहीं कर रहा होता अपने को समझे यस सर तो एक बार सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि इतनी बातें क्लियर हैं तुम लोग को ये वाला मेथड क्लियर है देन आई विल मूव टू सेकंड मेथड मतलब सेकंड इक्वेशन को हम लोग को हमने फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लाया मतलब ऑलमोस्ट वैसे फॉर्म में लाया नहीं मैंने ऐसा किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है ये वाली जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है और इसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भूल के ग्रीन वाले को भूल के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स से वो क्यूबिक बना लिया जाए जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन है एक वो क्यूबिक आ जाएगा और एक ये क्यूबिक ऑलरेडी दिया हुआ है फिर दोनों को आपस में कंपेयर करा दूंगा भाई सब लोग को समझ में आ रहा है सर ये ऐसा वाला क्वेश्चन एक और दीजिए ना सर इसका सेकंड मेथड क्या होगा बता रहा हूँ चलो नाउ द सेकंड मेथड इज यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम और इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए देखो अब जल्दी से तो हम लोग के जो क्यूबिक है एक क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी और दूसरा क्यूबिक है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 90 अच्छा इसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा गामा है और इसके रूट्स क्या है सर आपकी आवाज फिर से कम हो गई है या कुछ ईयरफोन में ही प्रॉब्लम हो गई लगता है देखो मैं आया ईयरफोन चेंज करता हेलो
आवाज क्लियर है। ठीक है, तो देखो इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है और इसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन है। अच्छा, हम लोग को क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी वी हैव टू फाइंड। तो जैसे जो चीज फाइंड करनी रहती है ना, उसको उस क्यूबिक के रेस्पेक्ट में एक बार देखना चाहिए कि कुछ एक्स की वैल्यू पुट करने से उस फॉर्म में आ रहा है क्या। तो अब देखो, अगर तुम एक्स की वैल्यू इसमें माइनस वन पुट करो तो तुम्हारा क्या आता? एल एच एस माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये आता कि नहीं आता एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करने पे? यस सर। तो हमको ये दिखा कि ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने पे ए प्लस बी प्लस सी वाला एक टर्म बन सकता है, वो वाला टर्म एक बन सकता है। तो अब मैंने क्या किया कि अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम यूज किया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। और हम लोग को a प्लस बी प्लस सी क्यों की निकालना है, तो हम लोग जो है दोनों साइड क्या पुट करते, x की वैल्यू माइनस वन पुट करते। तो बाय पुटिंग x एज माइनस वन आई विल बी गेटिंग माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी। This will be, हाँ सर, समझ में आ गया कैसे करेंगे। बाकी लोग भी देख लो, माइनस वन माइनस अल्फा माइनस वन माइनस बीटा माइनस वन माइनस गामा। ठीक है, अब इन तीन जगह से माइनस वन बाहर आ गया हमारा और यहां से भी एक माइनस बाहर आ जाता, मतलब एक तरीके से वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इंटू वन प्लस गामा। अच्छा, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गामा प्लस वन इस क्यूबिक के रूट्स हैं, तो एक तरीके से ये जो चीज दी हुई है वो इस क्यूबिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 19 हो जाता। ये स्टेप क्लियर है क्या? यस सर। थोड़ा ऊपर से वापस समझा सकते हो? देखो, हम लोग को फाइंड क्या करना है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। अपने को फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले मैंने सोचा कि ये जो क्यूबिक है इसमें मैं एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं जिससे ए प्लस बी प्लस सी वाला टर्म जनरेट हो सके। तो अगर मैंने दिमाग में सोचा कि मैं अगर x की वैल्यू माइनस वन पुट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी, मतलब हाँ भाई a प्लस बी प्लस सी जनरेट हो रहा है, उसके अलावा भी और भी कुछ कांस्टेंट जनरेट हो रहा है, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं। तो हम लोग ने क्या किया कि क्योंकि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम लगा दिया, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी is identically same as x minus alpha into x minus beta into x minus gamma। और मेरे को पता था कि x की वैल्यू माइनस वन पुट करनी चाहिए हम लोग को ताकि a प्लस बी प्लस सी वाला टर्म जनरेट हो जाए। ओके सर। मैंने यहाँ पे दोनों जगह x की वैल्यू माइनस वन पुट की, तो माइनस वन माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस वन माइनस अल्फा माइनस वन माइनस बीटा। सर इसमें थोड़ा सोचना रहेगा ना, वो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है वो थोड़ा, तब भी मतलब एक मैं तुम लोग को ये मेथड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले कि ऐसा भी किया जा सकता है। माइनस वन माइनस का समझा मेरे को भी समझा। अब तीनों जगह से माइनस बार इधर से माइनस बार, अभी सबको समझ में आ गया? यस। बहुत अच्छा। सो इतना क्लियर है सबको, हर बच्चे को?
यस सर। एक और क्वेश्चन दीजिए ना सर। अभी थोड़ा और एक टॉपिक पढ़ाना है, वो पढ़ा दूं मैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, मतलब तुमको असाइनमेंट दूंगा तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, ठीक है? तो उसमें ट्राई करना। अच्छा, अब देखो हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस खत्म हो गया। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब है? पॉलिनोमियल वगैरह। अब हमारा एक टॉपिक बाकी है, वो बाकी है कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? ये नया टॉपिक है एक्चुअली। ये तो वैसे बीच में पढ़ा देना चाहिए था लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया था। कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, कि जैसे मान लो दो क्वाड्रेटिक है हमारे पास। आई हैव अ क्वाड्रेटिक q1x एंड सेकंड क्वाड्रेटिक q2x। तो तीन पॉसिबिलिटी है कि इनके इन दोनों में कोई भी कॉमन रूट्स ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि केवल एक कॉमन रूट हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि बोथ रूट्स कॉमन हो, दोनों रूट्स कॉमन हो। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे पहले का एग्जांपल से एक क्वाड्रेटिक मैंने ऐसे लिख लिया एंड दूसरा क्वाड्रेटिक ऐसे लिख लिया। अब देखो इसके रूट्स 1 एंड 4 है, इसके रूट्स -2 -3 है। तो इसमें और इसमें कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया नो कॉमन रूट्स का। दूसरा जैसे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5, इसके रूट्स 1 और 4 हो गए, इसके रूट्स 1 और 5 हो गए। तो इसमें जो है जो कॉमन रूट है वो 1 है, एक कॉमन रूट है, ओनली 1 कॉमन रूट, ठीक है? तो ये सेकंड का एग्जांपल हो गया। अच्छा, थर्ड में एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा इक्वेशन आया। तो इसके भी रूट्स 1 एंड 3 है, इसके भी रूट्स 1 और 3 है। तो यहाँ पे सर आपने इधर डबल किया, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं कि दूसरा कोई वैल्यूज और सेम? ऐसा नहीं हो सकता ना कभी? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जैसे कोई क्वाड्रेटिक दिया है और उसको तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी के से मल्टीप्लाई कर दो, तो तभी पॉसिबल है कि दोनों रूट्स कॉमन आ जाए। नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो एकदम डिफरेंट वैरायटी के क्वाड्रेटिक हो और उनके दोनों रूट्स सेम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? जल्दी जल्दी लिख लो। यस सर। सर थोड़ा नीचे करो, नीचे करो।
हो गया। सो एक्चुअली में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को कंडीशंस पढ़नी है, कि ऐसा थोड़ा है, तुम ही सोचो ना, इतना सिंपल थोड़े होगा कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बताना है कि इसके कॉमन रूट्स है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि ये नहीं दिया होगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू लर्न इज कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कॉमन रूट और रूट्स, ठीक है। तो जैसे मान लो दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्वाड्रेटिक है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन हम लोग बोथ रूट्स कॉमन की लिखेंगे, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। तो जैसे अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर का वन बाय टू, मतलब इसका कोफिशियंट बाय इसका कोफिशियंट, तो वन बाय टू आ जाएगा। इसका कोफिशियंट बाय इसका कोफिशियंट, तो माइनस फोर बाय माइनस एट आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म बाय कांस्टेंट टर्म, थ्री बाय सिक्स। तो क्या अल्टीमेटली ये तीनों इक्वल हैं कि नहीं है? यस हाँ। सो कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन विल बी, व्हाट विल बी दैट कंडीशन? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to c1 by c2। बस यही इकलौती कंडीशन है, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन। समझ में आई बात? यस। सेकंड पॉइंट पे सर, ये तो लाइंस वाली कंडीशन है ना, पैरेलल लाइंस, कोइंसाइडिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग, कि दो लाइंस जो है कोइंसाइड कर जाए उसकी कंडीशन। ठीक है, ठीक है। सो अच्छा, अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन। तो जो अपना मेनली डिस्कशन है वो इस पे है, कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन। कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन में तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है ये, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। अब देखो यहाँ पे, जैसे ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। जैसे मान लो अल्फा इसका भी कॉमन रूट है और अल्फा इसका भी, मतलब अल्फा दोनों का कॉमन रूट है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तो मैंने हेडिंग डाली है कि कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन। मैंने ऐसा नहीं बोला है अभी कि ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। हो सकता है कि ये और ये इक्वल भी हो जाए, अभी तुमको थोड़ी देर में समझ में आएगा। बस अभी ये समझो कि मान लो जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, ठीक है। तो मतलब अल्फा जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को। इट मींस ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब याद है तुम लोग ने नाइन्थ या टेंथ में सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा? यस सर। बी वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको ऐसे किया, याद किया था, एक्स होल अपॉन
b1 minus 3 is equal to minus y. याद आ रहा है कुछ? Yes sir. Is equal to 1 whole upon a1 b2 minus a2 b1. अच्छा, इसके अभी डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाने वाले, बस ये तुम लोग ने 9th या 10th में कभी पढ़ा था, ठीक है? तो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ने एक्स की जगह ली है, अग्री करोगे? यस सर। फिर उसके बाद येलो कलर यूज करते हैं, अल्फा ने वाई की जगह ली है और C1 और C2 अपनी अपनी जगह है, तो क्या हम लोग बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, अल्फा स्क्वायर होल अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 is equal to minus alpha whole upon a1 c2 minus a2 c1 is equal to 1 whole upon a1 b2 minus a2 d1. ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है? बोलो जल्दी से सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी सब लोग भी, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो अच्छा मेरा टारगेट क्या है, जैसे कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन या कुछ भी कंडीशन हम लोग जो लिखना चाहते हैं, व्हाट वी वांट दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपस में उनके एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए कुछ, जैसे यहाँ पे एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ ना आपस में a1 b1 c1 a2 b2 c2, वैसा ही मैं एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से अपने को क्या करना चाहिए, अल्फा को एलिमिनेट करना चाहिए। तो अब देखो तुम क्या करो, पहले इन दोनों को इक्वल करो, तो इन दोनों को इक्वल करने पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टाइम्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है? उसके बाद एक बार इसको करो, एक बार इसको करो, तो एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा और एक अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, मान लो अगर इन दोनों को इक्वेट किया तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 होल अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1। इतनी बातें क्लियर है? यस सर। ओके, अब क्योंकि दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड अल्फा लिखा है, मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो माइनस ऑफ a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन माइनस ऑफ b1 c2 अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद हम लोग ने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इफ यू सी तो ये और ये चीज सेम है, मतलब a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू b1 c2 माइनस b2 c1। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ये कंडीशन आई, अब इस कंडीशन को कैसे याद रखना है अभी मैं वो भी बताऊंगा, और ये कंडीशन एग्जैक्टली क्या बता रही है वो भी बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है? अब इसको हाउ टू मेमोराइज दिस कंडीशन, पहले वो लिख लिया सबने क्या, ये एक बार लिख लो पहले जल्दी से, हो गया सर। बाकी लोगों का देखो जरा यहाँ से लिख लो एक बार, अरे एक मिनट बस, कहाँ से लिखाऊं?
देखो यहां से है कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन. फिर वो लास्ट वाला कंडीशन आई उसमें भी एक पैटर्न दिख रहा है. हाँ बस वही पैटर्न मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. चलो तो कैसे याद करना है वो देखो. तो देखो जो दो क्वाड्रेटिक है a1x² + b1x + c1 = 0, a2x² + b2x + c2 = 0. तो पहले क्या करो एक्सट्रीम वालों को लो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. a1c2 माइनस ए टू सी वन जो एक्सट्रीम वाला है उसका होल स्क्वायर करना है. एक्सट्रीम वालों का होल स्क्वायर करना है. फिर बाकी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो बाकी जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो एडजेसेंट वाले हो रहे हैं. तो अब देखो जैसे मान लो इस इन दोनों को लो कोफिशियंट्स को तो a1b2 - a2b1. सिमिलरली इसको और इसको लो कोफिशियंट्स को तो b1c2 - b2c1. समझ में आया कैसे याद रखना हम लोग को? Yes. Okay. So, अब देखो कहाँ गया डबल. इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है इस फॉर्मूले के नीचे. सो ये वाला जो फॉर्मूला है या ये जो कंडीशन है सो दिस कंडीशन इज फॉर टू क्वाड्रेटिक्स हैविंग एटलीस्ट वन रूट कॉमन. हैविंग एटलीस्ट वन रूट कॉमन मतलब ये कंडीशन ऐसा नहीं कि केवल ओनली रूट कॉमन की कंडीशन है. ये कंडीशन एटलीस्ट वन रूट कॉमन की कंडीशन है. ऐसा क्यों मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं. मतलब इसका ये मतलब हो रहा होगा कि ये कंडीशन जो है ओनली वन रूट के लिए भी ट्रू होनी चाहिए और बोथ रूट्स कॉमन के लिए भी ट्रू होनी चाहिए. देखो अभी जो मैंने प्रूफ किया जो भी तुम्हारे सामने प्रूफ किया उसमें एक रूट तो कॉमन लिया ही मैंने अल्फा एक रूट कॉमन लिया. ठीक है तो रूट्स कॉमन होने के दो सिनारी हो सकते हैं. या तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाए या तो केवल एक रूट कॉमन हो. यही दो सिनारी हो सकते हैं. अब देखो अगर दोनों रूट्स हमारे कॉमन होते हैं if both roots are common तो हम लोग मैंने ये सिखाया है तुम लोग को a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2. तो अगर ये hold करेगा if this holds then this will automatically hold. कैसे? देखो जैसे मान लो मैं इन दोनों को equate करता और cross multiply करता तो a1 c2 = a2 c1 आ जाता. मतलब a1 c2
माइनस ए टू सी वन की वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती। समझ में आ रही बात? सर मेरे को नहीं समझा क्या बोले, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन देन, अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो ये कंडीशन होती है, मैंने याद मैंने सिखाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, फर्स्ट और थर्ड को, और से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a1c2 इज इक्वल टू a2c1, मतलब a1c2 माइनस a2c1 इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे a1c2 माइनस a2c1 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा होगा, इस वाली कंडीशन में जीरो का होल स्क्वायर हो रहा होगा। अच्छा, अगर तुम फर्स्ट और सेकंड को साथ में लो तो वहां से तुम्हारा ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन आ रहा होगा, मतलब ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन वो भी जीरो आ रहा होगा। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को लेते तो उससे ये भी जीरो आ जाता, तो अपने आप जीरो इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा होता। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स देन दिस विल ऑलवेज होल्ड, ये ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ठीक है, तो अब एक छोटी सी समरी, अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो सबसे पहली बात की कौन कौन होल्ड करेगा, ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ये भी होल्ड करेगा, एंड ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा। लेकिन हम लोग अगर बस इसी को अप्लाई कर दें, दिस इज sufficient for both roots common, sufficient for both roots common. So अगर both roots common है तो हम लोग को बस कौन सी condition लगानी है, बस एक ही condition लगानी है, ये वाली। इस वाले condition के ऊपर time waste नहीं करना, मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो, अगर मैं तुमको feel कराना चाहूं, कोरिलेट कराना चाहूं, कि जैसे k lies between the roots, लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या था ना, k lies between the roots, उसमें ऐसे तो a into f of k less than zero होना चाहिए, और क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा था तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए कुछ। लेकिन हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन लिखते थे क्या? नहीं, नहीं सर। ये वो पावरफुल कंडीशन थी, याद है, ये वो पावरफुल कंडीशन थी, मतलब ये अगर होल्ड कर गई, मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये होल्ड करी गई होगी। सो यहां पे भी ये पावरफुल कंडीशन है। सो अगर बोथ रूट्स कॉमन है तो तुमको बस ओनली ये वाली कंडीशन लगानी है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अब सेकंड देखो, सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, बोथ रूट्स कॉमन के बाद एटलीस्ट वन रूट कॉमन, नहीं ओनली वन रूट, इफ ओनली वन रूट कॉमन, केवल एक रूट कॉमन है तो देखो उसके लिए ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन बी टू
माइनस ए टू बी वन इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये तो होल्ड करना ही है, ये तो वन रूट के लिए भी होल्ड करता है और टू रूट के लिए भी होल्ड करता है, तो ये तो होल्ड करना ही है। लेकिन टू रूट की जो कंडीशन होती है खुद की, जो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, जो उसकी पहचान होती है, उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। मतलब ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू, दिस शुड नॉट होल्ड, इसको होल्ड नहीं करना है, इसको होल्ड करना है और इसको होल्ड नहीं करना है। समझ में आई बात? सेकंड वाला समझ में आया? एक बार जल्दी से इसको डाइजेस्ट कर लो। और तो पहले वाले में the first condition is sufficient to prove that the both roots are common। हाँ, अगर okay. जैसे both roots common है तो बस ये येलो वाली कंडीशन लिखेंगे, फिर ये नीचे वाली कंडीशन लिखने को लिख सकते हैं, उससे कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन इससे आंसर और इससे जो आंसर आ रहा है उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हम लोग को, और आंसर सही आएगा लेकिन टाइम ज्यादा ले लेगा। ओनली वन रूट कॉमन में ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन अगर होल्ड हो गई जो नीचे वाली लिखी हुई है, तो वो तो क्या बोल देगा कि दोनों रूट कॉमन सर, और एटलीस्ट वन रूट कॉमन में पहली वाली तो होगी और दूसरी वाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसा है। तो अगर अगर जैसे मान लो बस किसी ने बोला कि एटलीस्ट वन रूट कॉमन, तो दूसरी वाली हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, ए वन बाय ए टू वाली, उसमें बस हम लोग द होल सोल कंडीशन क्या लिख लेंगे, ए वन सी टू। यही तो कंडीशन होती थी कॉमन की। ठीक है, अच्छा नो रूट कॉमन की क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? तो ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, नो रूट कॉमन की कंडीशन होनी चाहिए। ये कौन सी कंडीशन थी कि कम से कम एक रूट कॉमन हो जाए, कि ये और ये इक्वल हो जाए। तो अगर ये और ये इक्वल ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? एक भी रूट कॉमन नहीं है। एक भी रूट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि एक भी रूट कॉमन नहीं है। सर इसके लिए वो कंडीशन भी लिख सकते हैं ना जो हमने 10th में पढ़ी थी कि जब दो वो ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं या फिर नहीं इंटरसेक्ट करते, वो वाला भी कर सकते हैं ना हम लोग, मतलब लाइक ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, वो नहीं लगा सकते? वो तो स्ट्रेट लाइन वाली चीज हो गई, उसको उससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है? अच्छा, सो ये तीन चार पॉइंट्स जो थे वो डाइजेस्ट हुए तुम लोग को? हाँ सर। यस सर। इसको स्ट्रेट लाइन से कंफ्यूज मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस और ये वाला, उससे कंफ्यूज मत करो, ठीक है? सो सर तो दिस विल बी ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ ग्राफ ना? सर मतलब एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू होती है ना? क्वाड्रेटिक के लिए, दो क्वाड्रेटिक है उसके बीच में कॉमन रूट का क्या सीन होगा, वैसे टाइप का। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन शो करता हूँ,
ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। ओके सो जिसने मान लो कि एक क्वेश्चन हमारा ऐसा कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस फोर ए इज इक्वल टू जीरो. Find the values of A for which above equations have common roots. ठीक है, common root या roots. अच्छा, मतलब जितने भी कॉमन रूट्स के क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ देम में तुमको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि इसका एक रूट कॉमन चाहिए या इसके दो रूट्स कॉमन चाहिए. जनरली थोड़ा कंफ्यूज करके दिया जाएगा कि इसके कॉमन रूट या कॉमन रूट्स होने चाहिए. तो ऐसे सिनारियों में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो केसेस लेने पड़ेंगे. पहला केस लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट कि इसके दोनों रूट्स कॉमन है, ठीक है, या लेट अस प्रे दैट बोथ रूट्स आर कॉमन. सर लेकिन वो करने की जरूरत क्या, मतलब अगर दिया नहीं है कि वो कितने रूट्स कॉमन है तो हम लोग तीनों में कॉमन फॉर्मूला है ना, a1c2 - a2c1 होल स्क्वायर, वो वाला वो नहीं लगा सकते, वो तीनों में कॉमन है ना. देखो मैं जो बता रहा हूँ उससे क्या होगा कि चीजें की थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि इस कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में कौन से ए के लिए दोनों रूट्स कॉमन है या कौन से ए के लिए केवल एक रूट कॉमन है, उससे तुमको थोड़ी क्लैरिटी आएगी. ठीक है, तो हम लोग ने पहला केस ले लिया कि चलो मान लिया कि दोनों रूट्स कॉमन है, तो पहले ये देखना चाहा कि क्या दोनों रूट्स कॉमन हो सकते हैं क्या. उसके लिए क्या करेंगे, a1 by a2 मतलब 1 by 1 इज इक्वल टू b1 by b2, a+2 by 2a इज इक्वल टू c1 by c2 मतलब 3 by 4. अच्छा, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तीनों इक्वल है, तो जैसे 1 = 2 = 3 ऐसे लिखा हुआ है कर. तो हम लोग को ना इसमें से कोई दो को लेना पड़ेगा, मतलब एक बार 1 = 2 लेना पड़ेगा और एक बार 1 = 3 लेना पड़ेगा. इससे जो a की वैल्यू आ रही है और इससे जो a की वैल्यू आ रही है उनमें जो कॉमन a की वैल्यू आ रही है ना, जो दोनों में सेम a की वैल्यू आ रही है, That I am going to take. ठीक है, तभी तो जाके तीनों लोग आपस में इक्वल होंगे ना. जैसे मान लो इन दोनों को इक्वेट किया तो आई विल बी गेटिंग 2a = a+2 विच मीन्स a = what 2. अच्छा, अगर मान लो अपन ने इन दोनों को इक्वेट किया तो आ गया 4a = 3 मतलब a = 3/4. ठीक है, तो दोनों जगह से a की एकदम डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं. तो होता क्या, जैसे मान लो तुम a की वैल्यू 2 पुट कर देते, इफ यू पुट a as 2, तो उससे तुम ये तो इंश्योर कर लेते कि जैसे a की वैल्यू 2 पुट कर दी तो 1/1 = 4/4 = 3/8. तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई बात भाई. अगर a की वैल्यू 3/4 पुट कर देते तो फर्स्ट और थर्ड इक्वल हो जाते, लेकिन वो सेकंड के बराबर नहीं होता. अच्छा, अगर a की कोई ऐसी वैल्यू आती जो दोनों में कॉमन होती,
जैसे मान लो से कि समझ में आ रहा है ना सबको, से एक की वैल्यू यहां से 1 और 5 आ गई और यहां से एक की वैल्यू 4 और 5 आ गई, तो एक की वैल्यू 5 पे फर्स्ट और सेकंड भी इक्वल हो रहे थे और ए की वैल्यू 5 पे फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल हो रहे थे, मतलब तब जाके तीनों इक्वल हो रहे होते। सो इन दैट केस मैं वो कॉमन ए की वैल्यू ले रहा होता, ठीक है। सो क्योंकि सिंस नो वैल्यू ऑफ A is common, therefore above two quadratics can never have both roots same. तुम मतलब अपने जीवन का जितना भी जोर लगा दो, A की तुम कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ए की तुम कैसी भी वैल्यू पुट कर दो, उससे ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक के रूट्स सेम नहीं आएंगे कभी भी, इन दोनों के कभी भी दोनों रूट सेम नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते, वो क्या होता कि ओनली वन रूट कॉमन, भाई बोथ रूट कॉमन से तो निराशा लगी हाथ में, अब हम लोग ओनली वन रूट कॉमन पे चलते हैं। तो एक बार जल्दी से फिर से क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2x प्लस 3 और दूसरा क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4 4a है क्या, ठीक है। अच्छा अब ओनली वन रूट कॉमन में एक तो कंडीशन थी कि वो बोथ रूट्स कॉमन वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी, और वो हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है कि वो उससे तो ना हो पाएगा बोथ रूट्स कॉमन से, दिख गया हम लोग को ऑलरेडी। तो अब बस हम लोग को यहाँ पे एक ही कंडीशन लगानी है, वो कौन सी, बड़ी वाली a1c2 - a2c1 वाली। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब वो बड़ी वाली कंडीशन लगाई तो 4a - 3 का होल स्क्वायर, एक्सट्रीम वालों को लिया तो, अब इन दोनों को लिया तो 2a - a+2 और इन दोनों को लिया तो 4a² + 8a - 6। ठीक है तो यहां से a में क्यूबिक बनेगा, क्यूबिक इन ए, उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ए की वैल्यू आएगी और उस ए की वैल्यू के लिए हमारे दोनों रूट्स कॉमन होंगे। सॉरी और तो मैंने जो पहले बोला था कि ये जो कंडीशन है बड़ी वाली, ये तीनों सिचुएशंस में मतलब तीनों केसेस में कॉमन कंडीशन है, तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं ना? हाँ देखो इससे मैं बता रहा हूँ, जैसे इसको तुम अगर यूज करते हैं तो इससे जो तुम्हारी ए की वैल्यू आती, जैसे मान लो इससे ए की 3 वैल्यू आती, 2, 3, 4 मान लिया, ठीक है। वैसे तो कैसे आएगी ए की वैल्यू, वो क्यूबिक सॉल्व करने के बाद। तो अब ये जो ए की 2, 3, 4 वैल्यू आ रही है उससे हमको ये नहीं पता चल रहा कि ए की वैल्यू 2 पुट करने पे 1 रूट कॉमन आएगा या 2 बोथ रूट्स कॉमन आएंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये तो कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी कि एक ही रूट कॉमन हो,
सॉरी एटलीस्ट एक रूट कॉमन हो, ये कंडीशन किसकी थी, एटलीस्ट एक रूट कॉमन हो. एंड इफ आई वॉन्ट टू डू सम डीपर एनालिसिस, इफ आई, हाँ अगर तुम जैसे ये सोचो कि एटलीस्ट वन रूट कॉमन के लिए बोल दे, तो हम लोग ये कंडीशन निकाल के ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम. सही बोल रहे हो तुम, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मैं थोड़ा एनालिसिस कराना चाहता था कि कौन से ए के लिए बोथ रूट्स कॉमन आएगा, कौन से ए के लिए ओनली वन रूट कॉमन आएगा, उसका एनालिसिस कराना चाहता था. सर वो नहीं, मतलब क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या दिया है कि हैव कॉमन रूट या रूट्स, मतलब दोनों हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है, वो दिया है ना. तो ऐसे कंडीशन में मतलब हम लोग के पास दो सिचुएशन है, या तो रूट्स कॉमन होंगी या फिर नहीं होंगे. तो होंगे वाले में ये तीनों जो है, मतलब बड़ी वाली जो कंडीशंस है वो तीनों में है, कॉमन कंडीशंस है. तो सिर्फ वो लगा के डायरेक्ट आंसर नहीं निकाला जा सकता क्या ए का? निकाला जा सकता है. जैसे यहाँ से तुम प्रोसीड करो तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी उससे तुम ये एंश्योर कर लोगे कि एटलीस्ट एक रूट कॉमन आएगा. यस सर, वही पूछ रहा था. अब कभी मैं बता, अब बताता हूँ क्वेश्चन. कभी कभी क्या होता है, जैसे चार ऑप्शन दिए रहते हैं ए बी सी डी, तो वो ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि इस वैल्यू ऑफ ए के लिए दोनों रूट्स कॉमन आएंगे, या इस वैल्यू ऑफ ए के लिए ओनली वन रूट कॉमन आएगा, ऐसे टाइप का. तो अभी तुम जैसे ये वाला जो फॉर्मूला लगाओगे तो उससे तुम्हारी जो ए की वैल्यू आएगी उससे तुमको ये नहीं पता चलता कि तुम्हारे किस ए के लिए दोनों रूट्स कॉमन है और किस ए के लिए ओनली वन रूट कॉमन है. ठीक है, लेकिन हाँ अगर जैसे बस ये पूछ लिया कि कौन से ए के लिए एटलीस्ट एक रूट कॉमन है, तो हम लोग वो वाला, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. हाँ, और सर वो दिया आपने जो नीचे क्वेश्चन किया, बोला कि ऑप्शंस दे रहेंगे कि एक के लिए बोथ रूट कॉमन और एक के लिए एटलीस्ट वन रूट कॉमन, तो उसमें हम लोग ये प्रोसीजर तो करेंगे, उसके साथ साथ जो आपने पहले कराया केस वन वो भी करेंगे ना, ताकि हम लोग को आंसर मतलब पता चल जाए. तो बोथ तो नहीं हो सकते. हाँ. बाकी दो ऑप्शन देखने पड़ेंगे. हाँ. ठीक है, ये बात सबको समझ में आई क्या, एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करना. सर हाँ, आपने जो क्वेश्चन दिया इसमें ए के तीन वैल्यू आएंगे ना, पर हमें फाइंड आउट करना है इसमें से रियल कौन सा होगा. तो मतलब मैंने ऐसे ही देखो, क्यूबिक सबसे पहली बात तो क्यूबिक के रूट फाइंड करना इतना इजी नहीं होता है जब तक कोई हिट एंड ट्रायल बेसिस पे एक रूट ना निकल जाए. तो मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया था. अब हो सकता है क्यूबिक जनरेट हो, वो माइट बी, वो थोड़ा अनसॉल्वेबल टाइप का हो रहा हमारे लिए. ओके सर, और एक और पूछना था, मतलब क्यूबिक का जो सॉल्व करने का मेथड है वो सिर्फ एक तो है, एक हीट एंड ट्रायल वाला है ना, और कोई मेथड्स नहीं है मतलब जो बहुत जल्दी होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, हीट एंड ट्रायल से ही. ओके सर, हीट एंड ट्रायल से ही होता है. क्यूबिक जो अपने लिए क्यूबिक जो होते हैं वो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही उसके रूट्स, अगर क्यूबिक के रूट्स के बारे में बात की जा रही हो, एग्जैक्ट रूट्स क्या क्या होंगे उनके बारे में अगर बात की जा रही हो, तो एक रूट हिट एंड ट्रायल बेसिस पे निकालना पड़ेगा. या फिर कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैक्ट रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना उसके ही काम चल जाता है, तो फिर वहाँ पे तो रूट्स की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर सच में तुमको रूट्स निकालने की जरूरत है तो एक रूट यू हैव टू फाइंड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके सर, ठीक है. सो
सर इस वाले की कोई स्पेसिफिक ये नहीं है ना, क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल से भी मतलब नहीं हो रहा है। हाँ तो हो सकता है, मतलब ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था क्वेश्चन, जस्ट समझा दूं। अब इतना डाउन द लाइन नहीं सोच सकता हूँ कि भाई उससे इसको लिखे तो क्या जनरेट होगा और वो सॉल्व होगा कि नहीं। सही है, ठीक है। सो तो अभी जो है अपना ऑलमोस्ट क्वाड्रेंटिक खत्म हो गया है, थोड़ा सा कॉमन रूट्स का बाकी है और एक और छोटा सा टॉपिक बाकी है। सो उसको हमारा क्लास जो है कब होगा, वेंसडे को होगा। सो ऑन वेंसडे वी विल बी कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक, एंटायर क्वाड्रेटिक, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस कॉमन रूट्स के कराएंगे और एक और छोटा सा टॉपिक बाकी है, उस टॉपिक का नाम है, बता देता हूँ वैसे तो, कि जनरल टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई को फैक्टराइज करना इन टू लीनियर टर्म्स, ठीक है? ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे और फिर अपने क्वाड्रेटिक खत्म कर देंगे। फिर क्वाड्रेटिक के बाद आई विल बी स्टार्टिंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के बारे में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को क्वाड्रेटिक के बाद। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस तो थोड़ा ही टाइम लेगा, बहुत टाइम नहीं लेगा, जैसे क्वाड्रेटिक तो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। सर मॉड्यूलस में इनइक्वालिटीज यूज होएगा ना? हां, में इनइक्वालिटीज यूज होगा। फिर मॉड्यूलस के बाद देन वी विल गो फॉर ट्रिगो, ठीक है? सो मॉड्यूलस वोंट टेक मच टाइम, मतलब दो क्लास या तीन क्लास टाइप का मॉड्यूलस। उसके बाद ट्रिगो, फिर ट्रिगो में भी उतना ही समय लग जाएगा जितना क्वाड्रेटिक में हमारा लग गया, ठीक है? सो तुम लोग को क्वाड्रेटिक समझ में आया? यस सर। यस सर। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? यस सर, समझ में आया। अच्छा, हमको लगा सो रहे हैं उसके लिए बोला, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू। फाइन। हेलो, अगर आप क्वेश्चन ग्रुप में डाल दोगे ना? क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।